मेगा फूडीज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड फेमस फूडी के एक और मस्त और जबरदस्त एपिसोड पे। मैं हूँ आपके दोस्त आपकी होस्ट फूडी आरती गिल और आज हम आप पहुँचे हैं बेहतरीन से चाट का स्वाद देने के लिए सिंधी चाट भंडार। ये जो शॉप है ये तकरीबन दिल्ली में तिलक नगर में 45 ईयर से है और यहाँ का जो आलू चाट है और मिक्स फ्रूट चाट जो है पूरी दिल्ली में वर्ल्ड फेमस है ऐसा हमने सुना है। तो ये यहाँ का फ्रूट चाट और आलू चाट जो है वो दिल्ली में वर्ल्ड फेमस होने लायक है या नहीं वो हम बताएंगे टेस्टिंग के बाद। तो सबसे पहले करेंगे हम भैया से एक छोटी सी मुलाकात जो है इस शॉप के ओनर, डन करेंगे हम अपना टेस्ट रिव्यू और करेंगे आपके बाद। तो आइए करते हैं मुलाकात। तो आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात सिंधी चाट भंडार के जो ऑनर हैं भैया उनसे। ये अराउंड 45 ईयर्स से जैसे मैंने बताया कि इनका स्टॉल है जो ये रनिंग में है और ये तिलक नगर में बहुत 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 ही ज़्यादा फेमस है और भैया जो है यहाँ का ये तीसरी पीढ़ी है जो ये स्टॉल चला रहे हैं। तो आइए भैया से एक छोटी सी मुलाकात करते हैं। हेलो भैया, वर्ल्ड फेमस फूडी के चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम गीता चौधरी है। अच्छा, भैया ये जैसा कि आपने बताया कि 45 ईयर से आपका ये स्टॉल चल रहा है तो सेम 45 ईयर से है? नहीं जी, पहले मेरे फादर साहब बाटा के आगे लगाते थे, बाटा के आगे फिर वहाँ से हट के फिर हम यहाँ पे लगाना शुरू किया। यहाँ पे हमारे को 18 साल हो गए। 18 साल हो गए आपको? जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका जो फेमस है वो क्या आपके आइटम? दोनों आइटम फेमस है मैम, आलू चाट भी और मिक्स फ्रूट। हाँ जी हाँ जी। अरे वो हमारे गांव का प्यार जो है वो फेमस है। अंकल जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो है ग्राहक का प्यार वो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इसी तरीके से अंकल जी का जो प्यार है जो आशीर्वाद है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम अपना फ्रूट चाट और जो आलू चाट है वो ऑर्डर करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, देन आपको बताते हैं कि ये दिल्ली में वर्ल्ड फेमस होने लायक है या नहीं। तो आइए अपना ऑर्डर पिक करते हैं। अभी हमारी चाट की जो आलू चाट की जो प्रिपरेशन है वो रेडी हो चुकी है। इसमें बॉयल्ड आलू है जो हमने कट करके कढ़ाई में डाल दिया। अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे स्टॉल की लगी कि यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ और आप भी देख पा रहे हैं कि इनकी जो कढ़ाई है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अदरवाइज़ ज़्यादातर अगर हम किसी स्टॉल पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें इतनी साफ़ सफाई देखने को नहीं मिलती है, तो ये इनका एक बहुत ही प्लस पॉइंट है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। अब ये जो आलू है इसको थोड़ा ब्राउन होने तक जो है भैया इसको अच्छे से फ्राई करेंगे आलू में। अच्छा भैया, ये यहाँ पर आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए? रिफाइंड सोयाबीन। अच्छा, सोयाबीन फॉर्च्यून सोयाबीन रिफाइंड ऑयल। सालों से एक ही घी चल रहा है। अच्छा, सेम चेंज नहीं किया। ठीक है, सेम क्वालिटी जो है भैया यहाँ पे मेंटेन करके चल रहे हैं इतने सालों से, कहते हैं कि हमने अपनी क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा भैया, थोड़ा प्राइसिंग के बारे में मुझे बताएं कि क्या प्राइस है आपके चाट के? मैम आलू के 60 है, मिक्स फ्रूट के 70 है। अच्छा, आलू चाट जैसे जिसको जो चॉइस बनवानी हो जी 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 स्पेसिफिक फ्रूट का वो भी बन जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आलू का जो इनका चाट है वो 60 रुपीज़ का है और जो इनका मिक्स फ्रूट चाट है जैसे इसमें आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है यहाँ पर, तो ये आप अपनी अकॉर्डिंगली जो आपको फ्रूट आप डलवाना चाहते हो वो डलवा सकते हो, जो प्रोडक्ट नहीं चाहते हो वो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मिक्स फ्रूट चाट की जो इनकी यहाँ पर प्लेट है वो 70। तो यहाँ पर हमें मिल गए हैं भैया, हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर वो चाट कब से खा रहे हैं और उन्हें यहाँ के चाट का टेस्ट कैसा लगता है। सत श्रीकाल भैया, वर्ल्ड फेमस फूडी के चैनल से ताला बहुत बहुत स्वागत है। इसी तो देखते हैं मिक्स फ्रूट चाट और आलू चाट कब खा रहे हो? पहले जी मेरे पापा आंदे होंगे थे, पहले हमने काफ़ी टाइम दोस्ती आ रहे हैं, बहुत टाइम से आ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमें इधर ही आगे चाट खाई थे। अच्छा अच्छा, इधर तो चाट जो है जी टाइम से मार्किंग में नहीं हुए तो तुम कितना दोगे? 10/10 है। 10/10। तो ये था बेटी का रिव्यू जो उन्होंने बोला कि अगर ये मार्किंग दे तो 10/10 ये देंगे। तो अभी हम इसका फोन रिव्यू करके बताएंगे कि ये दिल्ली में बढ़ते में सोने लायक है या नहीं। थैंक यू सो मच। अमरूद है, ओके, और पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, हाँ पाइनएप्पल है, एप्पल है, मटर है, पपाया है, बनाना है, शकरकंदी है, वाटरमेलन है, और इसमें आलू डालना है जी? आलू तो अंकल डाल दो लेकिन खीरा मत डालना क्योंकि मैं खीरा नहीं। ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो हमारे बढ़िया से जो फूड चार्ट जो है ये बिल्कुल प्रोसेस में आ जाते हैं, बनने के लिए बिल्कुल रेडी होती है हमारी चार्ट। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत ही सारे फूड मसाला लेंगे आप? हाँ जी नहीं, अंकल प्लेन ही दीजिए, मसाला नहीं। अच्छा,
हल्का सा हाँ जी थोड़ा सा वो टेस्ट सब पंजाब दूसरा था हमने हल्का सा लेमन जूस डाल के नहीं नहीं अंकल सिंपल गोबर साफ वाटर तो इसमें जो हल्का सा हमने मसाला डाल दिया बट वो यहां पे मैंने लेमन लगा लेके बनाया बरकरार रखी है तो थोड़ा इसमें लेमन वगैरह मैंने नहीं डलवाया है तो बाकी आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं जिस टाइप से आप खाना चाहते हो तो अभी फिलहाल हमारी ये बढ़िया सी चाट जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलरफुल और टेस्टी कि हमारी बढ़िया सी पेंटिंग जो चाट है हमारी ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम इसकी टेस्टिंग जो है स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग तो वैसे आप जानते हैं जो फ्रूट्स का टेस्ट होता है बट स्टिल ये इसमें जो इन्होंने मसाले वगैरह डाले हैं उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट शकरकंदी से। जैसा मैंने बहुत ही कम मसाले डलवाए हैं बहुत ही बैलेंस पीस आ रहे हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी है। ये चीज़ को ट्राई करते हैं टेस्टी मसालेदार एंड हेल्दी डेफिनेटली दिल्ली में वर्ल्ड फेमस। अभी हमारी जो आलू चाट है हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि ये बहुत ही मसालेदार और इसमें बहुत ही बढ़िया सी चटनी डाल के दी है अंकल ने ये देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। अब हम इसकी करते हैं टेस्टिंग तो आइए एक बाइट आप भी ट्राई करिए। फिलहाल मैं ट्राई करती हूँ मसाले बहुत ही बैलेंस हैं बिल्कुल भी ओवर पावर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत कई बार क्या होता है मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं और चाट को जो है बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्ट लग रही है। आलू हल्के से क्रिस्पी अंदर से साफ तो बहुत ही अच्छा और वाला अगर हम इनकी चाट की बात करें डेफिनेटली ये दिल्ली में बहुत वर्ल्ड फेमस फूडी का ये आज का बेहतरीन सा एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लव यू ऑल बाय।